पंजाब के मेजर शबीर शरीफ शहीद अस्पताल में एमएस डॉक्टर अजहर महमूद की जेर निगरानी पोलियो मुहिम के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा और सीईओ हेल्थ मोहम्मद लतीफ अफजल समेत महकमा सेहत के अफसरान ने पंजाब मेजर शबीर शरीफ शहीद अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने मेजर शबीर शरीफ शहीद अस्पताल में पोलियो मुहिम के सिलसिला में किए गए इंतजाम को सराहा और एमएस अजहर महमूद को बेहतरीन इंतजाम की तारीफ की। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिला में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 रोजा खसूसी इंसादे पोलियो मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। इंसादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए इंसादे पोलियो टीम अफसरान और अमला की तादाद में इजाफा कर दिया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अफजल लतीफ, डीएचओ डॉक्टर अयाज नासर व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने बताया कि 26 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली इंसादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 2 रोजा फॉलोअप मुहिम 29 और 31 अक्टूबर को होगी जबकि 30 अक्टूबर को ईद मिलादुल नबी के सिलसिला में तातील है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला में 5 साल तक उम्र के 4,41,779 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए इंसादे पोलियो टीमों की तादाद 896 से बढ़ाकर 988 कर दी गयी जबकि फिक्स टीम में 121 से बढ़कर 122 हो जाएंगी। 33 ट्रांजिट प्वाइंट कायम किए गए हैं जबकि इंसादे पोलियो मुहिम में शरीक अमला की तादाद 2,164 से बढ़कर 2,515 कर दी गई जिनके लिए UCMOs और DDHOs फ्राई सरंजाम दे रहे हैं। सिवाय पाकिस्तान के बाकी जगहों पे पोलियो के केसेस अब रिपोर्ट नहीं हो रहे और पाकिस्तान में अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस मेहनत और मुशक्कत से हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है और WHO काम कर रहा है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी इस बीमारी पे काबू पा लेंगे। नहीं, क्वालिटी पोलियो वैक्सीन की क्वालिटी पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, अच्छी है। हमारे यहाँ जो मारूजी हालात हैं, हमारे सीवरेज के इश्यूज हैं, हमारे सफाई के इश्यूज हैं, उसके मसाइल हैं और उसकी वजह से शायद अभी तक हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सके। कुछ लोग हैं वो पोलियो करते हैं, पुराने किसान नहीं करते बच्चों को, वो समझते हैं पता नहीं क्या नुकसान है, आप उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, मैं इस पे मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इस मिसनंबर को, इस प्रोपेगेंडा को डिस्पेल किया है, इसको रिजेक्ट किया है। पोलियो के कतरे जो हैं बिल्कुल महफूज हैं और अगर हम अपने बच्चों को नहीं पिलाते तो उम्र भर की माजूरी है। और कुछ ऐसे अनासर जो जिनका ये ख्याल है कि ये किसी भी हवाले से कतरे ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो मिसलीड कर रहे हैं कौम को और हम सब को उनका मुकाबला करना है और अपने मुल्क के बच्चों को महफूज बनाना है और तंदुरुस्त बनाना है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, ये जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, अगर कोई ये बीमार दिन के लोग अगर नहीं पिलाना चाहते तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई भी हुकूमत वक्त करेगी? देखिए, बिल्कुल इस पर गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है और अगर कहीं से कोई रिफ्यूज़ल आती है तो हम पहली कोशिश हमारी होती है कि पेरेंट्स को कन्विंस किया जाए। अगर वो कन्विंस नहीं होते तो हम जो वहाँ के नोटेबल्स हैं उनको एंगेज करते हैं और अगर कोई ऐसा आदमी है जो किसी बात को नहीं मान रहा तो उस पर गवर्नमेंट के पास कानून है, हम उस पर पर्चा दर्ज करा सकते हैं और कतरा पिलाना मस्ट है, वो हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया है कि सेहत तो सफाई के हवाले से ये ज़्यादा होता है, और इसमें कल भी आपकी तरफ से एक न्यूज़ हमने ब्रेक की है कि आपने एक रोड की जो सड़क थी उस पर एक्शन लिया, इस हवाले से गुजरात में तकरीबन जितने भी ठेकेदार हैं और उसमें मिली भगत है महकमा जात की भी, उसमें सर जितने काम किए जा रहे हैं उसमें कमीशन माफिया भी चढ़ रहा है और नाकस क्वालिटी भी सामने है। इस पर अवाम पिछले कई सालों से शिकायत तो करते हैं लेकिन इस वक्त आपकी क्या पॉलिसी है ठेकेदारों के हवाले से या इससे सफाई के सिवरेज के हवाले से? देखिए, पॉलिसी बड़ी क्लियर है आपके सामने है कि जीरो टॉलरेंस है और मुझे तो आया अभी 1.5 माह हुआ है, अभी एज सच को डेवलपमेंट के काम नए नहीं शुरू हुए, पुराने कुछ वाइंड अप हो रहे हैं, आखिरी मराइल में हैं। लेकिन मैंने जो काम भी विजिट की है, मैं अगर मेरे पास कोई फाइल अप्रूवल के लिए आती है तो मैं उसको विजिट करता हूँ और उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन हैं वो एड्रेस होती हैं तो फिर वो फाइल मेरे से निकलती है। और मैंने पहले दिन ही बड़ा क्लियर अपने डिपार्टमेंट्स को कहा था कि अगर
हमारे अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं होगा तो वो बिल मैं साइन नहीं करूँगा और वो मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। और वही कलर ठेकेदारों को भी किया हुआ है और परसों की मिसाल मैंने आपके सामने सेट कर दी है। उस हमने ऑफिसर को सरेंडर कर दिया, उसकी इंक्वायरी लगा दी है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और आगे जो हमारे काम आ रहे हैं उसमें वो काम नहीं ले सकेगा। तो ये बेसिकली तो एक बाकियों के लिए लेसन भी है, बाकियों के लिए एक इंडिकेशन भी है कि गवर्नमेंट का जो पैसा है और आपको पता है कि बहुत थोड़ा पैसा है और बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है और अगर वो हम इस तरह करप्शन में और मिली भगत से खर्च कर देंगे तो उसका फ़ायदा आपके सामने है। जो हालात हमारे हैं वो इसी वजह से हैं, इस मुल्क पे बहुत पैसा लगा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा दिया गया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड काम होता है, कनाइवेंस से होता है। तो मेरी तो यही इंशाल्लाह होगी कि वो कनाइवेंस का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पे सर मजाफाती इलाका के तकरीबन दो रिक्रूटमेंट दे दी है डॉक्टर साहब। इस पे मैं माजरत के साथ सीईओ साहब बताना चाह रहे थे लेकिन मैं इस पे हमारे पास डॉक्टर्स आते रहते हैं, कुछ आगे फिर अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए चले जाते हैं। अभी भी हमने ऐड दी हुई है, पोलियो कैंपेन जो ही खत्म होती है तो दोबारा देखें। फैक्ट्री बंद करना कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है इस मुल्क में लेकिन उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है कि दुनिया में फैक्ट्रियाँ तो केमिकल की हर जगह चल रही हैं लेकिन उसके सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं। और ये फैक्ट्री जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ये मुझे अगर आप नाम दे दें तो इसको भी मैं चेक करा लेता हूँ और इसको कहेंगे कि भाई अगर बिजनेस करना है तो इस तरीके से करो ताकि बाकी माहौल ख़राब ना हो और इंशाल्लाह इंश्योर कराएंगे कि वो बिहेव करें। देखिए मैं बाकी मुल्कों की पॉलिसी पे तो कमेंट नहीं कर सकता चूँकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें पोलियो केसेज हैं और बाकी मुल्क सावरन हैं, वो अपनी पॉलिसी अडाप्ट कर सकते हैं कि ऐसे मुल्क से जहाँ से पोलियो के केसेज रिपोर्ट हो रहे हों वहाँ से अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी अपनी पॉलिसी है और वो हम सारे उस पॉलिसी को उसकी पाबंदी करने के हम सारे हमें करनी चाहिए पॉलिसी की पाबंदी जो भी उनका लॉ है। जी मैं आपसे सवाल है कि इस वक्त हमारे जिला गुजरात में पोलियो के कितने मरीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं जो अभी सामने आए हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गुजरात में कोई पोलियो का केस नहीं है, 97 से बिल्कुल हम पोलियो फ्री हैं। अभी भी इस कैंपेन में 441,000 के करीब जो बच्चे हैं 5 साल से कम उनको आज इंशाल्लाह शुरू की है कैंपेन, मंडे से बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगी, 5 दिन में हम इनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। रिपोर्ट मिर्ज़ा हुरम सुनैन, वाई साहब, गुजरात।